हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जर्दा बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैं आपको जर्दा बनाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। इनको आप फॉलो करके जर्दा बनाएंगे तो आपका जर्दा एकदम परफेक्ट बनेगा। जर्दा बनाने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 ग्लास गोल्डन सेला चावल। जर्दा हमेशा सेला राइस में ही बनाया जाता है। अगर आप नॉर्मल बासमती राइस में इसे बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे। चावलों को आप अच्छी तरह से 2-3 पानी में धो लीजिए और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए आप भीगने दीजिए। जर्दा हमेशा चावलों को भिगो करके ही बनाया जाता है। 2 घंटे चावल भीगने के बाद इसे हमें बॉईल करना है। तो यहाँ मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और इसे अब हम बॉईल कर लेंगे। जब पानी उबलने लगे तो आप इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम जलेबी रंग डालेंगे। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप अपने चावलों का रंग कितना गाढ़ा या हल्का रखना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें जलेबी रंग डालिए। जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगे तो हम इसमें भीगे हुए चावलों को डाल देंगे। इसे एक बार अच्छी तरह से चला लीजिए ताकि चावल और कलर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे हम उबलने देंगे। चावल हमारा उबलना शुरू हो गया है और आप इसे बीच बीच में चला करके देख सकते हैं कि ये कितना परसेंट कुक हुआ है। ये देखिए, चावल हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। हमें इसे 100% बॉईल कर लेना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। तो हमने चावलों का सारा पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। जब तक हमारे चावल ठंडे होते हैं, यहाँ पे हम अपना सेकंड स्टेप जो चाशनी बनाने का है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 ग्लास चीनी लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक चाशनी सी बना लेंगे। तो चाशनी हमारी लगभग बन करके तैयार हो चुकी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम देसी घी लेंगे। यहाँ पे मैंने हर चीज का नाप आपको ग्लास से बताया है ताकि आपका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया है। गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है ताकि किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और साथ में ये फूल भी जाए। आप चाहें तो इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश को फ्राई किया है। अब इसमें मैं जर्दे वाले चावल को डाल दूंगी।
इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब चावल अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम जो शुगर सिरप है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जो शुगर सिरप बनाया था उसे मैं इसमें डाल दी हूं। इसे आप अच्छी तरह से एक बार चला लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, चाशनी हमारी 20% के करीब रह गई है और इस स्टेज में हम इसे ढक करके पकाएंगे। तो यहां मैंने एक ढक्कन ढक दिया है और इसे अब हम थोड़ी देर ढक करके पका लेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जर्दा कैसा बना है। तो ये देखिए, चाशनी का पानी पूरा सूख चुका है और जर्दा भी हमारा परफेक्टली बन करके तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर ढक करके रख देते हैं और तब तक हम अपने गार्निशिंग के लिए सामान को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये इसमें मैं डाल देती हूं। साथ ही इसमें आप टूटी फ्रूटी भी डाल दीजिए, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और साथ में टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। ये मैंने ग्रेटेड खोआ इस्तेमाल किया है तो ये भी गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से डाल देती हूँ। थोड़ी देर इसको हम ढक करके ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं। इससे पहले आप इसमें एक चम्मच केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप भी फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।